होली की धूम है, बरसाना होली नंदगांव। होली के बाद आज मथुरा भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि में होली महोत्सव का आयोजन किया गया। यहां दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। फूलों की होली, रंगों की होली मथुरा की काफी प्रसिद्ध है। हर वर्ष की भांति मथुरा में जन्मभूमि पर होली उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा में फागुन लगते ही कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। मुख्य रूप से पूरे विश्व में प्रसिद्ध मथुरा की होली अलग अलग रंग अलग अलग रूप में मनाई जाती है। हमें होली खेलने के लिए हम हर साल आते हैं होली खेलने, जैसे हर महीने आते हैं। होली का आनंद इतना आता है कि हम झूम झूम कर रात नाच कर गाते हैं। ये बाहर से आए हैं कनाडा से स्पेशल होली खेलने के। आप मतलब पहुँच रहे हैं होली का देखने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा माहौल हमें कहीं नहीं मिलता सिवाय वृंदावन मथुरा के। बहुत ही आनंददायक माहौल है। मथुरा वृंदावन में धूमधाम से वैष्णव कुंभ की आखिरी पेशवाई निकाली गई। पुष्प वर्षा से लोगों ने इसका स्वागत किया। सवारी में तीनों सवारी में 18 अखाड़ों के श्री महंतों के अलावा बड़ी संख्या में महंत और महामंडलेश्वर शाही अंदाज में शामिल हुए। भक्तों ने शाही परिवार सवारी का स्वागत पुष्प वर्षा और गुलाल बरसा कर किया। वहीं इस शाही पेशवाई में लाखों भक्तों ने शाही पेशवाई के साथ नगर की पंचकोसीय परिक्रमा की। 12 साल के अंतराल में लगने वाले वैष्णव कुंभ की आखिरी सवारी इस बार नगर की पंचकोसीय परिक्रमा में धूमधाम से निकाली गई। कुंभ क्षेत्र से सुबह 9 बजे गाजेबाजे के साथ शुरू हुई शाही सवारी के आगे अन्य अखाड़ों के खालसाओं के वीर ध्वज निशान संत लेकर चल रहे थे। ब्रज में रंगोत्सव चल रहा है और उसी में आज रंग भरी एकादशी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ का दिवस है। आज ठाकुर जी बांके बिहारी जी के यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। वृंदावन की परिक्रमा लगाई जा रही है। आज कृष्ण जन्म स्थान पर भी होली का आयोजन होना है। आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज़।